खुशी कोई खुशी की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल खुशी की बात नहीं लग रहा। 2900 क्या, बस मजा नहीं आ रहा। वो आंकड़ा पसंद नहीं हमको, 3000 का आंकड़ा पसंद है। 5000 बस काम करेंगे, इसकी खत्म होते सीन करेंगे। पिछले 12 साल से आसिफ भाई ने हमको कर्मयोगी बना दिया है। हमको काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है। सुबह उठते ही थैला लेके निकल पड़ते हैं शूटिंग पे, आते पूरा दिन 12 घंटा शूटिंग करते वापस घर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तमाम होती है। नहीं, बहुत ही दर्शकों का बहुत बहुत हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लगातार ये 12वां साल चल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे, कि जहाँ शोज़ कोई शोज़ 2 महीना 3 महीना, कोई कोई तो 1 महीने में बंद हो जाता है, वहाँ 12वें साल में भी। अब पिछले हफ्ते आई थिंक नंबर थ्री पे था। मतलब ये टॉप 5 में तो हम ही पीछे, मतलब हमेशा से। तो ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो अपने गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज का उपकार मानूंगा, भगवान स्वामीनारायण का उपकार मानूंगा, कि सबसे बड़ी बात कि 12 साल तक हम सबको तंदुरुस्त रखा, ताकि हम सब ये 12-12 घंटा काम करके लोगों को हंसा सकें। नहीं तो हाथ से पैदा करने के लिए हम शुरू में मजाक ऐसा कर रहे थे, लेकिन यकीनन ये अद्भुत है, सही में दैवीय है, जैसा कहा ये डिवाइन है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था, हम में से किसी को नहीं पता था कि हम शो नहीं बना रहे हैं, हम एक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमारे ईश्वर की कृपा, मैं सरस्वती जी और इन्होंने क्या नाम बोला यार, क्या पहचानते नहीं क्या मेरे को? ये देखो जैसे मेरे पास में खड़े ये दिलीप जोशी जी हैं जो जेठालाल का रोल करते हैं। मैं कोई है, इन्होंने बोला कि आके खड़े ले इधर, इन्होंने जैसे इन्होंने बोला ए नहीं बोला। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, हम दोनों ही बोल रहे हैं। मैं शैलेश लोढ़ा, दिलीप जोशी, कि ये मैं माँ सरस्वती और बाला सरस्वती जी का भक्त हूँ। आप हम सब हमारे ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी ही बस तंदुरुस्ती दें, स्वास्थ्य दें, और ऐसी ही काम करने की क्षमता दें और इच्छा दें। अभी हम कर नहीं रहे थे कि देख नहीं रहे हम आपस में क्या, यही तो केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे नजर आती है, प्रोजेक्ट होती है, और इसीलिए तो लोगों को जब हम एंजॉय करेंगे तब तो लोग एंजॉय कर पाएंगे, हम एंजॉय नहीं करेंगे तो लोग कैसे एंजॉय कर पाएंगे। वैसे भी एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आता है, हम साथ में बैठते हैं तो बड़ी हंसी मजाक चलती रहती है, और वही फिर पर्दे पर नजर आता है।